विजय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। साथियों आप सभी को नमस्कार, मैं जगपाल मेहरा जिला कैथल हरियाणा से नवोदय क्रांति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम वह चिड़िया जो कविता नामक शीर्षक से पढ़ेंगे, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी मूर्धन्य कवि छायावाद के मशहूर कवि और मूर्धन्य प्रकृतिवादी कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं में बेबाकी के साथ और एक प्रकार के उदाहरणों के साथ जो है समझाने की कोशिश की है, और उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर मानव मात्र को संदेश देने का प्रयास किया है। उनकी पहली जो कविता है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसी तरह से उन्होंने अनेक रचनाएं की। अपने काव्य कौशल को दिखाते हुए उन्होंने वह चिड़िया जो कविता लिखी है, इसमें चिड़िया के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है और बताने का प्रयास किया है कि चिड़िया किस प्रकार से संघर्षशील रहती है। तो आइए हम आज इस वह चिड़िया जो नामक कविता को पढ़ेंगे और किस प्रकार से चिड़िया संघर्ष करती हुई अपने जीवन को सार्थक बनाती है उसका हम प्रयास करेंगे सीखने का। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार। ये अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग एक के केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा रचित है। इस पद के अंदर कवि समझाना चाहता है कि वो जो चिड़िया है वो चोंच मार करके यानी के प्रयास करते हुई कोशिश करते हुई जुंडी के दानों को ज्वार बाजरे के दानों को दूध जिनमें दूध भरा हुआ है उनमें चोंच मार करके उन्हें फोड़ करके उनको पूरी रुचि के साथ पूरी लगन के साथ और आनंद लेती हुई खाती। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो जो छोटी चिड़िया है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में संतोष है, यानी के उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई असंतोष की भावना नहीं है, वो संतुष्ट रहती है। ये अलग बात है कि उसे मोटा अनाज खाने को मिलता है, उसे अच्छा अच्छी क्वालिटी का अच्छे उत्तम दर्जे का अनाज उसे नहीं मिलता, फिर भी वो संतोष करते हुए उसे खा लेती। और वो चिड़िया ये कहने में भी संकोच बार बार ये कहने में संकोच नहीं करती है कि उसके पंख नीले, ये नीले पंख और नीला आसमान यानी कि चिड़िया बताना चाहती है इंसान को कि हे इंसान थक के मैं मत बैठ, क्योंकि मेरे जो नीले पंख हैं और मैं जो छोटी हूं, मैं छोटी जरूर हूं लेकिन मेरे लक्ष्य बड़े हैं, मैं आकाश की सैर करना चाहती हूं, मैं आकाश में उड़ना चाहती हूं। और कवि समझाना चाहता है कि वो छोटी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है संतोषी है, और वो चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि एक प्यार का संदेश वहां पर देना चाहती है कि अन्न जो है उससे मैं बहुत प्यार करती हूं। तो इस पद के अंदर हम देखते हैं वह चिड़िया जो, वह जो है एक सर्वनाम है, चिड़िया एक संज्ञा का रूप है। हम देखते हैं चोंच मारकर यानी कि वो चिड़िया किस तरीके से उन दानों को फोड़ती है, उसकी क्या विशेषता है वो चोंच मार करके उन दानों को फोड़ती है।
दूध से वो दाने भरे हुए हैं। से जो यहां पर कारक आया है ये करण कारक को दर्शाता है, और रस के साथ खाना, आनंद के साथ खाना। यहां इंसान को चिड़िया संदेश देती है कि हे मानव, तुझे जो मिला है, तुझे जो भोजन मिला है, उसे तू आनंद के साथ खा, प्रभु का धन्यवाद करके खा, जिससे तुझे ताकत मिलेगी, जिससे तू पुष्ट होगा। और यदि तू उलाहनों के साथ खाएगा, यानी कि जो तुझे भोजन मिला है उस भोजन को आनंद के साथ नहीं खाएगा, तो उस अन्न का रस तेरे अंदर भरपूर मात्रा में नहीं जा पाएगा। ये संदेश जो है चिड़िया मानव को देना चाहती है। चिड़िया अपने आप को छोटा बताती है। इंसान भी आज जो गरूर से भरा हुआ है, इंसान भी जो अभिमान से भरा हुआ है, उस इंसान को ये संदेश देती है कि हे इंसान, छोटा बन जा, निम्न बन जा और दीन बन जा। क्योंकि चिड़िया जो है वो संदेश यही देती है कि मैं छोटी जरूर हूं, लेकिन मेरे लक्ष्य बड़े हैं, मेरे लक्ष्य बड़े हैं, और मैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हूँ। चिड़िया घर में बैठकर भोजन नहीं करना चाहती, चिड़िया संघर्ष करके जुंडी के दानों के पास जा करके वहां पर प्रयासरत रह करके कोशिश करके जुंडी के दानों को फोड़ करके, यानी मेहनत करके खाना चाहती। इंसान को भी यह संदेश देती है कि हे इंसान, तू भी संघर्षशील हो जा। और वो चिड़िया अन्न से प्यार करती। अगला पद हम पढ़ते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ खोलना एक मुहावरा है यहां पर। कंठ खोलना का मतलब यह है कि बेबाकी के साथ बोलना, निडरता के साथ बोलना, निसंकोच होकर के बोलना। तो वो जो बोलना चाहती, अपने भाव प्रकट करना चाहती, बूढ़े वन बाबा की खातिर ही। आज का जो नौजवान, आज की जो पीढ़ियां हैं, उनके अंदर बड़े बुजुर्गों के प्रति भाव जो है वो समाप्त हो गया है, समाप्त प्राय हो गया है। उनके अंदर उस भावना को जगाने के लिए और बड़े बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान का और आदर की भावना को जगाते हुए चिड़िया कहती है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा हो चुका जो जंगल, उस जंगल को सुनाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उस जंगल में एक एक प्रकार की खुशी और प्रसन्नता की लहर दौड़ाने के लिए चिड़िया जो है वो बेबाकी के साथ गाती है, मुक्त कंठ होकर गाती है, खुले गले के साथ गाती है, किसी भी प्रकार की डर की भावना उसके अंदर नहीं है, निडर होकर के, निसंकोच होकर के वो गाती है, और रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर यानी कि एक प्रकार का आनंद के साथ, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर संकोच नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल आनंद के साथ अपने बूढ़े बाबा, वन बाबा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसके अंदर खुशी का संचार करने के लिए वो चिड़िया जो है उसको गीत गाकर दिखाती है, सुनाती है। और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो जो चिड़िया है वो छोटी है और मुंह बोली, मुंह से बोल के सुनाती है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन में ही भावों को रखती है, वो अपने उद्गारों को, वो अपने विचारों को बाहर निकाल करके सुनाती है। वो चाहती है कि मेरे विचारों से, मैं जो बोल रही हूं, इसके बोलने से मानव मात्र को संदेश मिले, दुनिया को संदेश मिले कि मैं छोटी होते हुए भी
मुंह बोले हूं, छोटी होते हुए भी मेरे लक्ष्य महान है। मेरे लक्ष्य जो है, मेरे जो उद्देश्य हैं, वो छोटे नहीं है। मैं महान उद्देश्यों वाले हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर नीले पंखों वाली मैं, वो चिड़िया जो है वो अपनी विशेषता को फिर से प्रकट करती है, अपनी विशेषता को फिर से बताती है कि मेरे पंख नीले हैं, मेरे पंख नीले हैं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है कि जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता, सुनसान इलाका। ऐसे सुनसान इलाके में जाकर के चिड़िया जो है वो प्रसन्न रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो वहां पर जाकर के अपने आप को चित्त, अपने आप को शांत करना चाहती है, अपना चित्त जो है वो एकाग्र करना चाहती है। और इंसान को भी यही कहती है कि हे इंसान, तेरी जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल करके एकांत में भी बिता ले, वहां पर अपने आप को एकाग्र कर ले और वहां पर अपने अपने आप को जांच ले कि मेरे अंदर कितने अच्छे गुण हैं और कितने दुर्गुण हैं, उनका आंकलन कर ले। इस प्रकार ये जो चिड़िया है वो इंसान को संदेश देती है, इंसान को समझाना चाहती है कि हे इंसान, तेरे अंदर का आंकलन कर ले। क्यों? और वो आंकलन दुनिया की भीड़ में नहीं होगा, वो आंकलन एक शोर शराबे में नहीं होगा, वो आंकलन होगा एकांत में जाने के बाद, वो आंकलन होगा एकांत में जाकर अपने आप को एकाग्र करने के बाद। जब अपना आंकलन करेगा, अपना अपने आप को जांचेगा, तो तुझे पता चलेगा कि मैं, मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं और कितनी गुणों से मैं भरा हुआ हूं। तो यहाँ पर चिड़िया एक संदेश देती है। और कवि केदारनाथ अग्रवाल जी, जो कि बहुत ही एक मानवतावादी और एक मूर्धन्य जो कवि हैं, वो इस अपनी कविताओं के माध्यम से यही संदेश देते हैं इंसान को कि हे इंसान, तुझे किसी प्रकार का गर्व अगर करना है तो इस चिड़िया की तरह है गर्व कर, क्योंकि गर्व इसे अपने संघर्ष के ऊपर है, ये अपने संघर्ष के ऊपर गर्व करती है और अपना संघर्ष करती हुई अपने परम लक्ष्य की तरफ जाती। तो आइए हम इस पद्यांश के अंदर जो नए शब्द हैं, इन्हें हम मुश्किल नहीं कहेंगे, इन्हें हम कठिन शब्द नहीं कहेंगे, हम इन्हें नए शब्दों की संज्ञा देते हुए हम बताएंगे कि ये जो नए शब्द आए हैं इनका अर्थ क्या है। नया शब्द है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। और वन जंगल, खातिर के लिए, रस उंडेल उंडेलर आनंद के साथ, विजन जंगल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघर्ष जो है, संघर्ष से ही इंसान महान बनता है। ये जो चिड़िया है, ये इसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष को अपनाया है, इसीलिए वो जा पाई जुंडी के दानों तक, इसीलिए वो जा पाई उन जुंडी के दानों के पास जाकर के और अपने जो लक्ष्य है, जो उसके पेट की भूख है, उसको वो मिटाने पाई है और अपना लक्ष्य में कामयाब हो पाई है। कहते हैं कि इन परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये इनके खुले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये इनके खुले हुए पंख बोलते हैं। और वो इंसान बोलते नहीं हैं जिनके हुनर बोलते हैं। हमेशा वो खामोश रहते हैं इंसान जो जिनके हुनर बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कला जो है वो प्रदर्शित होती रहती है, उनके बोलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चिड़िया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भाव लिए हुए है, अपने इस कितना सादगी भरा
और कितना प्रवाह में उसका जीवन रहा है कवि का देखते हैं। वो है हमारा वह चिड़िया जो चौंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यहां पर हम देखते हैं कि चिड़िया जब उड़कर जाती है उसे प्यास लगती है तो उड़कर जाती है नदी का पानी पीने के लिए। यहां पर एक गुणवत्ता नजर आती है हमें उस चिड़िया की, कि उस चिड़िया के अंदर ऐसी गुणवत्ता है, ऐसा गुण है कि वो विशुद्ध पानी पीना चाहती है। उसके लिए चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए चाहे उसे कितनी भी दूरी तय करनी पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो बहता हुआ पानी पिएगी। ये हमें क्या समझाता है? ये हमें समझाता है कि हम अपने जीवन के अंदर एक उत्तम से उत्तम वस्तु को पाने की का प्रयास करें, उत्तम से उत्तम वस्तु को पाने के लिए लगनशील हो जाएं, प्रयत्नशील हो जाएं और अपने अंदर उन भावों को उजागर करें जिस जो हमें अंदर से पुष्ट बनाते हैं, अंदर से मजबूत बनाते हैं, हौसला देते हैं। जिस प्रकार से चिड़िया जो है हौसले से भरी हुई है, ये विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी इसके पास परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन फिर भी ये चिड़िया हौसले से भरी हुई है, इसके अंदर हौसला कम नहीं होता है। ये खुशी खुशी सारे काम करती है, आनंद के साथ सारे काम करती है, आनंद के साथ जुंडी के दाने फोड़ती है, और आनंद के साथ ये जो चिड़िया है ये बूढ़े वन बाबा के साथ को खुश करने के लिए, वन बाबा को आनंद देने के लिए खुशी खुशी वो गीत गाती है, पूरे जंगल को गुजार देती है, पूरे जंगल को प्रसन्नचित बना देती है। जहां पर कुछ भी आवाज नहीं है वहां उस विजन को, उस एकांतवास में भी खुशियों के रंग भर देती है। तो इस प्रकार से इस चिड़िया ये जो चिड़िया है अपना जीवन जीती है। और इस पद के अंदर देखिए, जब पानी पीने की बारी आई, पानी पीने के लिए चिड़िया ने कोई ठहरे हुए जल को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो जल किसी न किसी रूप में अशुद्ध हो सकता है। यहां पर ये चिड़िया एक प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी मनुष्य को प्रेरित करती है। अपने अंदर जो कुछ लेकर जा रहे हो शुद्ध जाना चाहिए, पावन जाना चाहिए, पुनीत जाना चाहिए, पवित्र जाना चाहिए। वो सारा हमारे अंदर अगर इस प्रकार की पवित्रता के साथ जाएगा तो हमारे अंदर से बाहर भी पवित्रता के साथ आएगा, यानी कि हमारे विचार भी पवित्र होंगे। इसलिए इस कविता के माध्यम से चिड़िया जो है वो नदी के बहते हुए जल को पीने के लिए जाती है। नदी का बहता हुआ जल उसे पीने के लिए नदी उफन करके चल रही है, नदी ऊपर तक भरी हुई है, लेकिन चिड़िया इसकी परवाह नहीं करती कि उसे किसी भी प्रकार का चोट आएगी, उसे नुकसान हो सकता है, वो डूब सकती है। नहीं, उसके अंदर ऐसा भाव ही नहीं है, उसके अंदर ऐसा संकीर्ण भाव ही नहीं है। उसके अंदर भाव है तो संघर्ष भाव है, उसके अंदर भाव है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का भाव है। उसके अंदर, चिड़िया के अंदर जो भाव है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने का भाव। आज इस कविता के माध्यम से, क्योंकि ये कविता जो है, ये वह चिड़िया जो कविता जो है, इसमें कवि हमें समझाना चाहता है कि पहले उस कविता ने नदी का दिल टटोला, दिल टटोला उसका, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि नदी चढ़ी हुई है, पूरे उफान पर है, फिर भी उसके दिल को वो पढ़ती है,
उसके दिल को पढ़ करके। उसी तरह से इंसान दुनिया के अंदर जो जीवन जी रहा है उसे किसी भी बिंदु पर वो जाता है, किसी भी राह में वो जाता है, किसी भी संघर्ष की राह में वो चलता है, तो सबसे पहले वहां की परिस्थितियों को पढ़ने के लिए चिड़िया प्रेरित करती है। ये चिड़िया हमें प्रेरित करती है कि हमें परिस्थितियों को पढ़ना होगा, उसके बाद अपने अंदर योजना बनानी होगी। जिस तरह से ये चिड़िया बनाती है, ये चिड़िया क्या योजना बनाती है, पहले तो उस चढ़ी हुई नदी को देखती है। वो जो चढ़ी हुई नदी है, वो जो उफनती हुई नदी है, वो जो ऊपर किनारे तक बहती हुई जो नदी है, उस किनारे तक बहती हुई नदी के दिल को वो टटोलती है, खोज करती है, ढूंढती है। और जब वो पूरा अपने अंदर निर्णय ले लेती है, जब अपने अंदर एक योजना बना लेती है कि किस तरह से मैंने इसमें से जल पी करके एक फुर्ती के साथ उड़ना होगा, नहीं तो उस नदी का पानी मुझे डुबो देगा। उसी तरह से इंसान भी, हमें इंसान को भी चाहिए कि अपने अंदर फुर्ती रखे, फुर्ती के साथ काम करे, लगन के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, सच्चाई के साथ काम करे। जिस तरह से ये चिड़िया हमें संदेश देती है कि वो चढ़ी हुई नदी का दिल टटोलती है, उसकी खोज करती है कि किस तरीके से उस सिद्धांत को खोजने की कोशिश करती है कि मैं इस बहती हुई नदी में से पानी किस तरह पी सकती हूं। और जब वो पूरा निर्णय ले चुकी होती है, पूरी तरह से समझ चुकी होती है, तब वो जाकर उस नदी में से, उस नदी के दिल को टटोल करके जल रूपी मोती को ऊपर लेकर आती है, पी करके ऊपर उड़ जाती है। वो जल रूपी मोती को पी करके उड़ जाती है, पूर्ति के साथ उड़ जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। और ऐसा करने से उसके अंदर गर्व का भाव आता है। गर्वीली क्यों कहा है कवि ने? गर्वीली इसलिए कहा है कि उसे किसी उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसे उसने किसी प्रकार की और सांसारिक वस्तु के ऊपर, उसने जिस तरह से इंसान सांसारिक वस्तु के ऊपर गर्व करता है, घमंड करता है, अभिमान में डूबा रहता है, उस प्रकार के अभिमान में वो नहीं डूबती। उसे गर्व है तो अपने संघर्ष के ऊपर गर्व है, चिड़िया को गर्व है तो अपने जो जीव जिंदगी के अंदर वो जो संघर्ष का की राह को अपना रही है और उसकी तरफ अग्रसर है तो उसके ऊपर गर्व है। इसलिए कवि उसे गर्वीली चिड़िया कहकर के संबोधित, इसलिए कवि उसे किसी भी प्रकार की कमजोर चिड़िया नहीं बताता। वो चिड़िया जो है अपने आप को एक बहादुरी का संदेश देती है, अपने कि इंसान जो है वो कमजोरी व्यक्त ना करे, वो बल्कि अपने अंदर एक मजबूती का भाव रखे और मजबूती का भाव रखते हुए अपना जीवन जिए, संघर्ष करे। और जिस तरह से ये चिड़िया जो है, ये चिड़िया जल का मोती जो है, जल रूपी मोती को, यहाँ पर एक अलंकार भी हमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है कि जल रूपी मोती, मोती के ऊपर जो जल का आक्षेप है, आरोप है, तो ये रूपक अलंकार का जो है उदाहरण है। और ये जल रूपी मोती को लेकर के यहाँ पर रूपक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का बहुत अच्छा चयन कवि ने किया है कि जैसे गर्वीली चिड़िया अपने आप को, कवि ने कहा है कि चिड़िया जो है वो गर्वीली है और नीले पंखों वाली मैं, चिड़िया जो है इस बात में संकोच नहीं करती, बार बार ये दोहराती है, बार बार कहती है कि मेरे पंख नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं नदी से बहुत प्यार करती हूँ। आइए हम देखते हैं इस कविता के अंदर कि कवि ने जो कविता लिखी है, इस कविता के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रश्न है, इन
प्रश्नों को देखने से पहले हम जानेंगे कि ये जो चिड़िया है ये किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती है, और चिड़िया जो है एक प्रकार के मनोबल को रखते हुए, एक अपने मन की ताकत को दिखाते हुए किस प्रकार से अपना जीवन जीती है। इस वह चिड़िया जो इस कविता पर आधारित जो प्रश्न है हमारे पीछे दिए हुए हैं इस कविता के, इन प्रश्नों को हम देखते हैं और इनसे सीखेंगे कि किस प्रकार से कवि जो है प्रश्नों कविता कविता से, इसमें अभ्यास के प्रश्न हैं, कविता से कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो भाव जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो ये कागज के ऊपर बनाने का जो चित्र है इसमें एक प्रकार से जब हम चित्र बनाते हैं कविता का, इस चिड़िया का, तो हम उसमें दिखाएंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं उस चिड़िया की, उस चिड़िया की विशेषता दिखाएंगे चित्र के अंदर, जैसे उसके पंख नीले हैं, वो चोंच से जुंडी के दानों को फोड़ रही है, और इस प्रकार से हम दिखाएंगे कि चिड़िया जो है उसके चेहरे के ऊपर संतोष है। ऐसा हम चित्र जो है बना सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं। तो इसका जो अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो यहां पर हम देखते हैं कि शीर्षक हम क्या क्या दे सकते हैं इसके। वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने शीर्षक दिया, इसी से संबंधित और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। हम देखते हैं चिड़िया में संतोष है, तो हम इसका शीर्षक संतोषी चिड़िया दे सकते हैं। हम देखते हैं चिड़िया छोटी है, तो हम इसका शीर्षक नन्ही चिड़िया दे सकते हैं। हम कविता के अंदर पढ़ते हैं कि इस चिड़िया के अंदर गर्व है, गर्व युक्त है, ये चिड़िया गर्वीली है, तो हम इसे, इस कविता का शीर्षक गर्वीली चिड़िया दे सकते हैं। हम देखते हैं कि चिड़िया नदी से प्यार करती है, अन्न से प्यार करती है, बिजन से प्यार करती है, तो हम इसका शीर्षक प्यारी चिड़िया दे सकते हैं। और हम देखते हैं इस कविता के अंदर कि इस चिड़िया के जो पंख हैं वो नीले हैं, तो हम इस कविता का शीर्षक नीली चिड़िया भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रस उंडेल कर गाती है, तो हम इस जो कविता है इसका शीर्षक रसीली चिड़िया भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो चिड़िया है ये बहुत प्यार करती है, और ये जो शीर्षक हमने बताए हैं इन शीर्षकों का हम प्रयोग करके वह चिड़िया जो कविता के ऊपर आधारित शीर्षक इस प्रश्न के अंदर पूछे गए हैं इनका हम शीर्षक दे सकते हैं। तो इसके बाद हम तीसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं। ये प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन किन किन चीजों से प्यार है। प्यार सबसे पहले हम देखते हैं चिड़िया को अन्न से प्यार। अन्न से, ये दूध भरे हुए उन जुंडी के दानों में से रस निकाल करके खाती है, आनंद के साथ खाती है, इसलिए अन्न से ये बहुत प्यार करती है। और ये आगे दिया है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर ये उंडेल कर गाती है,
बूढ़े बाबा से प्यार करती है। आगे देखते हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है, एकांतवास से भी प्यार करती है चिड़िया। वो अपने जिंदगी का कुछ हिस्सा एकांतवास में जीना चाहती है, अपना मनन करना चाहती है, अपनी जिंदगी को जांचना चाहती है, इसलिए वो विजन से प्यार करती है। और चिड़िया जो है वो हम देखते हैं कि वो चढ़ी हुई नदी से प्यार करती है। तो इन सब को अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि चिड़िया अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार करती है। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे, और प्रश्न नंबर 4 जो है ये आशय स्पष्ट करो, कै भाग इसका है, उस कै भाग का हम आशय स्पष्ट करेंगे। रस उंडेल कर गा लेती, यहां पर चिड़िया गाना गाती और वो भी किसी दबाव में आकर नहीं, वो रस उंडेल कर अपने अंदर आनंद भरती हुई, अपने अंदर प्रेम से भरी हुई आनंद के साथ, किसी प्रकार के दबाव से रहित, किसी भी प्रकार के संकोच से रहित, बल्कि आनंद के साथ गाना। इसी प्रकार से मनुष्य अगर इस बात को जान ले कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हम आनंद के साथ करें, क्योंकि काम तो हमें करना है और काम करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए, लेकिन क्यों ना आनंद के साथ किया जाए, जिसमें हम भी खुश होंगे और देखने वाले भी खुश होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम गलती के कारण काम को ही शुरू नहीं कर सकते कि मेरे से गलती होती है और गलती हो जाएगी, मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगा, ऐसा कमजोर भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम आनंद के साथ किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। गलती तो होगी, जब हम काम करेंगे गलती होगी, स्वाभाविक होगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो गलती करके मान ले उसको इंसान कहते हैं, जो गलती करके आंख दिखाए उसको शैतान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती कर ही नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। तो गलती करके ही इंसान सीखता है, ये हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो गलती एक बार हमसे हो गई है वो हम दोबारा ना करें। तो यहां पर चिड़िया किस प्रकार का भाव लेकर आती है, रस का भाव लेकर आती है। रस जो है आनंद को दर्शाता है, रस एक प्रेम को दर्शाता है, रस जो है एक प्रकार की खुशी को दर्शाता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं बल्कि आनंद और खुशी के साथ चिड़िया जो है अपने बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है। तो इस लाइन का, इस प्रश्न का जो अर्थ है वो आशय जो है, ये आशय, इसका आशय यही है कि चिड़िया अपने अंदर किसी भी प्रकार के हीन भाव को लेकर नहीं, संकोच भाव को लेकर नहीं, कमजोर भाव को लेकर नहीं, बल्कि एक मजबूती के साथ, एक हौसले के साथ, आनंद के साथ वो अपना गीत गा रही। इसका जो खै भाग है इसे हम पढ़ेंगे, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी हुई नदी का दिल, अगर हमें जिंदगी के अंदर थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, थोड़ी सी भी चढ़ी हुई नदी रूपी विपरीत परिस्थिति मिल जाए तो हम घुटने टेक के बैठ जाते हैं, हम हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन ये चिड़िया हार नहीं मानती। ये अलग बात है कि चढ़ी अपने नदी जो है वो अपने पूरे उफान पर है, पूरे चढ़ी हुई है और किनारे तक होकर के पानी से बह रही है, लेकिन चिड़िया इससे डरती नहीं,
उसके अंदर डर का भाव नहीं आता, बल्कि वो मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है, और वो उस नदी के दिल को टटोल करके, उस नदी के दिल को टटोल करके, उसके नदी का दिल कहाँ है, पानी, पानी में चोंच मार करके जितना उसे पानी पीना है पी करके वो पूर्ति के साथ उड़ जाती है, जल के मोती को लेकर के उड़ जाती है, पानी रूपी मोती को पी करके और अपना लक्ष्य प्राप्ति करके वो पूर्ति के साथ उड़ जाती है। इसी तरह से इंसान को भी होना चाहिए। यहाँ पर ये इस जो इसका लाइन का जो अर्थ है, इस प्रश्न का जो आशय है, वो यही बताता है कि इस आशय, इसका आशय जो है वो यही निकलता है कि हमें जीवन में जिस तरह से ये चढ़ी हुई नदी को देख करके चिड़िया नहीं डरती, उसी तरह से हमें जिंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में हम इस अनुमान और कल्पना के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। तो अनुमान और कल्पना में जो मुख्य प्रश्न मेरे जहन में आया है उसके अनुसार यही है कि इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस किस हिस्से का रंग कैसा है, जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। इसी प्रकार से हम दूसरे पक्षी ले सकते हैं जिनमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं, जैसे मैना है, मैना, मैना के पंख जो हैं कुछ तो गहरे काले होते हैं और कुछ हल्के काले होते हैं। मैना जो है इस चिड़िया के समान ही एक पक्षी है, लेकिन उसके कुछ गहरे रंग के पंख होते हैं, कुछ हल्के काले रंग। इसी तरह से कौवा, कौवा जो है वो भी काले रंग का होता है, बीच बीच में उसका रंग जो है कुछ उसके जो शरीर में दूसरे रंग होते हैं। बत्तख और कबूतर, इसी तरह से इन कबूतर जो है इसकी भी आंखें अलग रंग की होती हैं और जो इसका पंख और शरीर होता है वो आसमानी रंग का होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी श्रेणी के जो पक्षी हैं, जो चिड़िया की श्रेणी के जो पक्षी हैं, इनमें इनको देख करके हम उदाहरण दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था, इसमें हमने कोशिश की है कि चिड़िया के स्वभाव को उजागर करें और कवि चिड़िया के स्वभाव के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति जो है, अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति, अपने गुणों की अभिव्यक्ति, अपने आचरण की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से उसने परिलक्षित करने का प्रयास किया है और अपनी अभिव्यक्ति को चिड़िया के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है, जो कवि का सफल प्रयास है। और हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि आदरणीय केदारनाथ अग्रवाल जी, जो कि 1 अप्रैल 1911 में इनका जो जन्म हुआ था, और इससे इसी प्रकार से 2000 में, सन 2000 में इनका देहांत हो गया, और इस ये जो कवि हैं, मूर्धन्य कवि, अपने रचनाओं के माध्यम से ये हमेशा भारतवर्ष के दिलों में जिंदा रहेंगे। इसी पुनीत भाव के साथ सबको धन्यवाद।